मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है, मैं ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन से हूँ और मैं नेचुरोपैथ हूँ। एक्यूप्रेशर, सुजो, कपिंग थेरेपी, मैं ये थेरेपी जानता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे पता चला कि कायरोप्रैक्टिस भी एक थेरेपी है जो बहुत ही अच्छी है और हमारी सारी थेरेपीज को सपोर्ट करती है, क्योंकि बाकी जितनी भी थेरेपीज हैं हमारी मसल्स वगैरह को ठीक करती हैं, कुछ ऑर्गन्स को ठीक करती हैं, लेकिन जितनी भी और थेरेपी के अलावा इस थेरेपी में ये खास बात है कि ये हमारे जॉइंट्स को, हमारी हड्डियों को क्योर करती है, उसके जॉइंट्स को रिमूव करती है, उसको सॉफ्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे बैक पेन में, सर्वाइकल में और शोल्डर में जो दर्द होता है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पेशेंट दवाइयाँ खाते हैं, आराम नहीं मिलता। दूसरी थेरेपी भी सपोर्टिंग थेरेपी है, लेकिन इस थेरेपी को करने के बाद मैं ये समझता हूँ हमारी जितनी भी थेरेपी हैं वो कंप्लीट होती हैं, और जब कंप्लीट होती हैं तो मरीज को प्रॉपर 100% आराम मिलेगा। जब आराम मिलेगा तो वो दवाइयों के खर्च से बचेगा, दुनिया भर में डॉक्टरों के पास ढूंढने से बचेगा, उसकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी और वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। मेरा मानना यह है कि जितने भी हम थेरेपिस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र के, उन सभी को ये थेरेपी सीखनी चाहिए, और ख़ास तौर से यहाँ पे जो प्राणधारा फाउंडेशन में जो सिखाया जा रहा है ये सबसे ज़्यादा आपकी फीस को कंट्रोल करता है, यानी इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक होने की वजह से जो दूसरे लोग 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं उसकी वजह से हम लोगों के पॉकेट के ऊपर भी ज़्यादा खर्च पड़ता है। जब ज़्यादा खर्च पड़ता है टेक्निक तो वही है, यहाँ पे सीखना सबसे ज़्यादा आसान है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि आप लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप से जुड़ें और टेक्निक सीखें और समाज का भला करें और अपना ही भला करें।